दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर तो हमने कई टास्क देख लिए, 56 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में घर के अंदर तो काफी टास्क देखने को मिले, लेकिन इस समय जो असली टास्क चल रहा है वो चल रहा है जनता का टास्क। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस OTT के ग्रैंड फिनाले की जो वोटिंग है उसका सबसे बड़ा टास्क चल रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जनता गेम खेल रही है, कभी अपने दावेदार को ऊपर ले आती है और कभी दूसरी टीम की जनता यहाँ पर अपने दावेदार को ऊपर ले आती है। यानी कि दोनों भाइयों के बीच में इस समय जबरदस्त टक्कर चल रही है और यहाँ पर आज सुबह से ही एल्विस यादव फुकरा इंसान से लीड ले रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो आगे चल रहे हैं और ऐसे में बात करते हैं अभी आई रिपोर्ट्स पर। जी हाँ दोस्तों, ये रिपोर्ट अपडेट की है बिग बॉस खबरी ने, और बिग बॉस खबरी आप जानते हैं ऑफिशियल चैनल है और काफ़ी अंदर तक की लीक्स उनके पास में रहती है। ऐसे में दोस्तों खबरी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि एल्विस यादव जो है वो इस समय नंबर 1 पर बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, एल्विस जो है वो इस समय फुकरा इंसान से काफ़ी ज़्यादा वोटों से आगे हैं। सुबह भी लगभग वो 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा और ये जो फासला है ये काफ़ी आगे तक बढ़ गया है। वहीं दोस्तों फुकरा इंसान इस समय दूसरे नंबर पर है वोटिंग में। हालांकि कल शाम से ही फुकरा इंसान नंबर 1 पर चल रहे थे, लेकिन अब अचानक से पूरा मामला पलट चुका है, एल्विस भाई नंबर 1 पर आ चुके हैं और एल्विस के फैंस इस समय लगातार वोट पे वोट किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फुकरा इंसान की पांडा गैंग भी इस समय वोटिंग में पूरी तरीके से एक्टिवेट है, वो भी दबाकर वोट कर रही है। इसके अलावा मनीषा रानी के फैंस जो है वो भी काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, और दोस्तों आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि मनीषा रानी ने फाइनली 1 मिलियन वोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। पूजा भट्ट और बेबिका की वोटिंग में कुछ खास फर्क नहीं है, इनके वोटिंग अगर हम ना भी जाने तो भी काम चलेगा, क्योंकि इनसे किसी को भी मतलब नहीं है, इनको न जाने कहां से 1.5 लाख वोट हासिल हुए हैं। खैर दोस्तों, यहां पर हमारे टॉप 3 जो है वो एल्विस, मनीषा रानी और फुकरा इंसान ही हैं, और कांटे की टक्कर तो दोनों भाइयों के बीच फिनाले के दिन तक चलेगी। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट पर, अपनी राय हमें कॉमेंट बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।